हेलो फ्रेंड्स, मार्शल आर्ट्स की थर्ड सीरीज में आज हम सीखेंगे हैंड स्टैंड। और हैंड स्टैंड में हम सीखेंगे फ्रंट हैंड स्प्रिंग एंड बैक हैंड स्प्रिंग। दोस्तों, अगर आपने मार्शल आर्ट्स की फर्स्ट सीरीज से लाठी चलाना और सेकंड सीरीज से नाई चाकू चलाना नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से देख कर आप सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीख लेते हैं फ्रंट हैंड स्प्रिंग एंड बैक हैंड स्प्रिंग। दोस्तों, हैंड स्टैंड सीखते वक्त कुछ बातों का खासतौर पर ध्यान रखना है, जैसे आपके साथ एक पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है जो आपको समय पर सपोर्ट देकर आपकी हेल्प कर सके। अगर आप हैंड स्टैंड किसी भी चैनल द्वारा या किसी के बताने पर अकेले ही बगैर पार्टनर के तैयारी करते हैं तो आप इंजर्ड हो सकते हैं और एक छोटी सी गलती आपको 8-10 महीने का बेड रेस्ट करा सकती है। इसलिए बगैर पार्टनर के स्टैंड बिल्कुल ना करें। दोस्तों, सबसे पहले हमें 3 स्टेप में ब्रिज बनना सीखना है, तो देख लेते हैं ब्रिज किस तरीके से बना जाता है। स्टार्ट। स्टेप 1, सबसे पहले हम हैंड्स को इस तरीके से रखेंगे शोल्डर के बिल्कुल सामने, एल्बो को इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल सामने, और पाम को बिल्कुल सीधा रखना है। स्टेप 2, लेग को बेंड करना है। स्टेप 3, बॉडी को अप कर देना है और नेक को थोड़ा सा इस तरीके से खींचना है, हेड को इनसाइड की रखना है और हैंड और लेग को थोड़ा सा खींच के रखना है। देखिए, पैर मिला के खींच के रखना है। डाउन अगेन, एक बार दोबारा देखेंगे। स्टेप 1, 2 एंड 3, ऐसे सीधा करिए। इस तरीके से हमें ब्रिज बनना सीखना है। ये कम से कम आपको रोजाना 10 टाइम करना है, 100% करना है। सेकंड में हमें फ्रंट फॉरवर्ड सीखना है। फ्रंट फॉरवर्ड करने से फ्रंट हैंड स्प्रिंग में काफ़ी हद तक आसानी हो जाती है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं फ्रंट फॉरवर्ड। स्टार्ट। स्टेप 1, लेग कम करो, लेग को थोड़ा सा खोलना है, थोड़ा सा गैप रखना है, देख सकते हैं आप। स्टेप 2 में हमें हैंड्स खींचना है ऊपर। स्टेप 3, हैंड आगे की साइड रखना है। स्टेप 4, रोल करके खड़ा हो जाना है। अगेन थोड़ा फास्ट करके दिखाइए। 1, 2, 3, 4। अगेन एक बार स्लो मोशन। 1, 2 एंड 3, इस तरीके से खड़ा हो जाना है। ये भी कम से कम आपको दिन में 10 टाइम 100% करना ही है। थर्ड में हमें हैंड स्टैंड और ब्रिज को साथ लेना है, क्योंकि हैंड स्टैंड करने के बाद जब हम ब्रिज बन के आते हैं तभी हमारा फ्रंट हैंड स्प्रिंग क्लियर होता है। तो एक बार देख लेते हैं फ्रंट हैंड स्प्रिंग प्लस ब्रिज। तो पहले हैंड स्टैंड करेंगे। स्टेप 1, 2 एंड 3, यहाँ रुकेंगे और वेट थोड़ा सा, बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेट लेके चलेंगे और यहाँ से हमें बैंड करना है और लेग को, बॉडी को बिल्कुल, हैंड को और लेग को थोड़ा सा खींच के रखना है। उसके बाद इस तरीके से लेग को रखना है और बॉडी को इस तरीके से उठा देना है। अगेन एक बार फिर देखेंगे। सबसे पहले हैंड स्टैंड करना है। स्टैंड यहाँ कम से कम 10 सेकेंड आपको खींच कर रखना है बॉडी को इस तरह से, कम से कम 10 सेकेंड। उसके बाद हमें आगे रखना है इस तरीके से और तुरंत इस तरीके से खड़ा कर देना है। अगेन एक बार फिर देख लेते थोड़ा सा। 1, हैंड स्टैंड किया। 1, 2, 3, थोड़ा सा हैंड डाउन करना है, सीधा नहीं करना है, हम हैंड स्टैंड नहीं कर रहे हैं, हम स्टैंड एंड ब्रिज कर रहे हैं, यहाँ से रखना है इस तरीके से। ये भी आपको कम से कम 10 टाइम रोजाना करना है। दोस्तों, 4 में हमें फ्रंट हैंड स्प्रिंग को थोड़ा फास्ट लेके चलना है और सपोर्ट देना है। जब तक सपोर्ट नहीं देंगे ये क्लियर नहीं होगा। धीरे धीरे जिस तरीके से हम इसको फास्ट करते रहेंगे उसके बाद में हमें सपोर्ट हटा देना है। तो देख लेते हैं एक बार। चलिए स्टार्ट करिए। एक स्टेप लेके हमें इसको करना है, थोड़ा सा स्टेप लेके हमें थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट 1, 2 और 3, हमें सपोर्ट भी देना है, इस तरीके से सपोर्ट देना है। अगेन एक लेग को पीछे खींचेंगे और बॉडी को स्ट्रेट करेंगे और हैंड रख के सीधा खड़े हो जाएंगे। 1, 2, 3, एक बार फास्ट करना है। फास्ट 1, 2 एंड 3। ओके, ये भी आपको कम से कम 10 टाइम रोजाना करना है। दोस्तों, अब हम सीखेंगे बैक हैंड स्प्रिंग। फ्रंट हैंड स्प्रिंग में लेग को आगे की साइड पे रखना होता है और बैक हैंड स्प्रिंग में लेग को पीछे की साइड। बेसिक इसकी सेम है, पहले ब्रिज बनना है आपको, फिर हैंड स्टैंड करना है। उसी तरीके से आपको इसमें बैक हैंड स्प्रिंग में आपको इसी तरीके से बेसिक करना है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्रिज बनेंगे। स्टेप 1, 2 एंड 3, ब्रिज बनेंगे। ब्रिज बनने के बाद में देखिए, ब्रिज भी सेम उसी तरीके से बनना है, नेक को उसी तरीके से रखना है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, हैंड को ऊपर नहीं करना है, लेग को थ्रो करके फेंकना है पीछे की साइड।
लेग को क्लोज करो, इसमें लेग को क्लोज करके रखना है, उसके बाद थ्रो करके इस तरीके से थ्रो कर देना है आगे। फिर देखिए एक बार, वन टू एंड थ्री ब्रीथ एंड अगेन, वन टू एंड थ्री एंड टू। धीरे धीरे इसको फास्ट करते चले जाना है, कम देखिए अब धीरे धीरे करता चला जाऊंगा मैं, और उसके बाद सपोर्ट देना भी बंद कर दूंगा थोड़ा सा। फर्स्ट वन टू एंड थ्री। अब इसके बाद क्या करना है हमें, थोड़ा सा थ्रो लेके चलना है, थ्रो करना है, थ्रो करके दिखाइए थोड़ा सा थ्रो में, लेग को क्लोज, लेग को क्लोज करना है, कोशिश रहे कि लेग क्लोज ही रहे, बेहतर है क्लोज करना। उसके बाद थोड़ा सा थ्रो लेके बॉडी को थ्रो करके तब बैक फ्लिप चालू करना है, थोड़ा सा थ्रो करेंगे, वन टू एंड थ्री। एक बार हो देखिए, धीरे 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 ये आसानी से क्लियर हो जाएगा, सपोर्ट देख रखना है इस तरीके से, वन टू एंड थ्री अगेन, फिर वन टू एंड थ्री। अब देखिए बिगर सपोर्ट के बच्चा आसानी से कर लेगा, करके देखिए टाइट, वन टू वेरी गुड, थोड़ा सा और फास्ट, वन टू थ्री बरो, वन टू गुड। धीरे धीरे आपको रोज़ाना कम से कम 10 बार ये करना है सपोर्ट में, और कम से कम जब आप एक महीना इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो एक क्षमता ऐसी आ जाएगी कि आप बिगर सपोर्ट के भी करने लगेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे आसान टिप्स की वीडियो मैं आप तक हमेशा पहुंचाता रहूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर दें। फिर मिलेंगे मार्शल आर्ट्स की सीरीज 4 में, फिलहाल दे इजाज़त, जय हिंद।